नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट लाइव का खास कार्यक्रम रीजन डायरी। एक हफ्ते के अंतराल के बाद हर रविवार हम आपके लिए लेकर आते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की कुछ हसीन खूबसूरत रिपोर्ट्स। आज के अंक में खास है अरुणाचल प्रदेश के दो उत्सव, बुरी बूट और आदिबुरी। इसके साथ ही देखेंगे मणिपुर में आयोजित पहले इंडिया इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल की झलकियां और असम के लोगों के लिए अहम शंकर संग महोत्सव। अरुणाचल प्रदेश के निरजुली में आयोजित हुआ 5 दिवसीय बुरी बूट उत्सव अपनी संस्कृति को जीवित रखने और इसके संरक्षण का महज एक तरीका है ये उत्सव। आइए देखते हैं इस उत्सव की झलकियां। अरुणाचल प्रदेश में काफी उत्साह और तैयारियों के बीच मनाया गया बुरी बूट उत्सव। तिरपनवा बुरी बूट उत्सव के लिए निगम निया हॉल निर्जुली में विशेष आयोजन किए गए। इस उत्सव के दौरान मान्यताओं के अनुसार बलि विधान की भी प्रथा है। सर, यहाँ पे इस बार 53rd बुरी बूट यूलो मनाया जा रहा है, तो कैसा लग रहा है सर? ये बार तो हम लोग बहुत अपना ट्रेडिशनल अपना रिचुअल के साथ बहुत ज़ोरदार से मनाया है। और इसके बाद हमारे यहाँ पे मेहमान भी हम लोग बुलाया, जो हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर एनिमल हस्बेंड्री ताके टाके जी है, और हमारे डीआर डायरेक्टर को भी बुलाया, जो कि इंडिजिनस एपीएस डायरेक्टर है, जो कि इंडिजिनस के बारे में बहुत जानता है। और ये बार हमारा लोग भी बहुत बहुत उत्साह से हम मना रहा है 53rd को। जैसे कि हर जो भी अरुणाचल में जितने भी तानी बेल्ट का जो फेस्टिवल्स है वो एग्रीकल्चरल के रिलेटेड है, तो ये भी फेस्टिवल एग्रीकल्चर रिलेटेड है क्या, और इसमें और क्या क्या कुछ खास है? हाँ, ये फेस्टिवल एक ही ऐसे फेस्टिवल है जो एग्रीकल्चर बेस्ड तो है, लेकिन खास तौर पे यहाँ जनसंख्या का डेवलपमेंट के लिए हम लोग सोचा जाता है। बुरी मतलब हम लोग इंसान को कहा जाता है, बुरी बूट जो है, तो ये कोई एग्रीकल्चर बेस में तो कुछ पोर्शन तो एग्रीकल्चर होता है, लेकिन खास तौर पे ये एक यूनिकनेस है बुरी बूट का। ये हमारा जनसंख्या को बढ़ाने के लिए, ये मतलब सुखी रहने के लिए, पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए, एक ज़माना डेवलपमेंट के लिए, एक ज़माना ऐसा था कि हमारा पॉपुलेशन बहुत कम होता था। ये जब से ये फेस्टिवल मनाया तब से हमारा पॉपुलेशन भी अच्छा होते गया। 5 दिवसीय इस उत्सव के उद्घाटन समारोह में कृषि व पशुपालन मंत्री तागे ताके मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। उत्सव में शामिल लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री तागे ताके ने कहा कि वे इस उत्सव के रचयिता को धन्यवाद करते हैं, क्योंकि यह उत्सव अच्छी फसल होने का प्रतीक है। So right now I'm here with the agriculture minister of Arunachal Pradesh, Mr. Tage Taki, engineer Tage Taki. So sir, you have been come here in this 53rd Buri Boot Yulo celebration. So first of all, tell us your feeling, how are you feeling right now, and then what does the festival signifies? As you, in your message also you have said that in order to maintain our culture and our diversity. Yes, ye jo bhi festival hai hamara yahan is belt ki, पर्टिकुलरली सुबनश्री सियांग हमारा कारादादी कुरुकी में एंड लोहित, इसमें हम लोग नेचुरल बेस का ही फेस्टिवल करते हैं। और फेस्टिवल का प्राइम एक ऑब्जेक्ट रहता है कि हमारा प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर लैंग्वेज एंड हमारा वेशभूषा और हमारा परदादों का जो पूजा करने की पद्धति को ओरल फॉर्म में हम लोग यहाँ में नरेट करते हैं, उससे जनरेशन अपने जनरेशन पास करते जाते हैं। और कोई भी फेस्टिवल का इस रीजन का अटेंड करने के बाद मुझे तो बहुत खुश लगता है। ये उत्सव समुदाय विशेष की संस्कृति और परंपरा को दर्शाते हुए पूर्वजों के दिशा निर्देशों से युवाओं को जोड़ने के क्षेत्र में काफी अहम माने जाते हैं। इसी बात को उत्सव में उपस्थित मंत्री तागे ताके ने भी तवज्जो दी। इस वक्त मैं हूँ यहाँ 53rd बुरी बूट यूलो सेलिब्रेशन में, और ये सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है निसी जनजातियाँ यहाँ पे जितने भी लोग जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स में है, और ये पर्टिकुलर फेस्टिवल निर्जुली में मनाया जा रहा है। और हर साल की तरह ये बुरी बूट फेस्टिवल बहुत उत्साह और उल्लास से मनाया जाता है निसी कम्युनिटी जो कामले डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, जो निवासी है,
उन लोग यहाँ पे हर साल 53rd हर साल बुरी बूट फेस्टिवल मनाया जाता है और ये एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल है और हर और ये फेस्टिवल काफ़ी उत्सव और उल्लास जितने भी फेस्टिवल है अरुणाचल प्रदेश के तो ऐसे ही उत्सव और उल्लास से ये मनाया जाता है। तो कैमरा पर्सन तागुन ताचुंग के साथ मैं हूँ इंदु चुकू नॉर्थ ईस्ट लाइव के लिए। इसी तरह पहाड़ी राज्य अरुणाचल प्रदेश में उत्सवों का सिलसिला फिलहाल जारी है। विभिन्न समुदायों के पारंपरिक और सांस्कृतिक उत्सवों की बदौलत यहां के लोगों की व्यस्तता बढ़ी हुई है। इसी क्रम में आइए आज देखते हैं सियांग वैली के आदि बुरी समुदाय का पारंपरिक उत्सव डोंगिन। अरुणाचल प्रदेश के सियांग घाटी में हाल ही में डोंगिन उत्सव का आयोजन किया गया। काइंग में आयोजित ये उत्सव आदिबुरी समुदाय की संस्कृति और उनकी परंपरा का प्रतीक है। ये उत्सव हर साल 1 फरवरी को मनाया जाता है। नहीं, ये जो ये है जो डोंगिन फेस्टिवल्स जो हमारा ये बोरी आदिबोरी कम्युनिटी का ये फेस्टिवल है, क्योंकि हम एज ए मेंबर मेरा पार्टिसिपेशन में ही हमारा फुर्ती है, क्योंकि अपना फेस्टिवल को हम अपना कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए अपना आइडेंटिटी को रखने के लिए हम ये फेस्टिवल को हम मानते हैं। यंगर जेनरेशन ही इसको प्रिजर्व करना है, तब जाकर के अपना कल्चर रहेगा, अपना आइडेंटिटी रहेगा। इस पर्व का आयोजन केंद्रीय डोंगिन उत्सव समिति ने किया। उत्सव में रुमगोंग के विधायक तालेम ताबो मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह में जेडपीएम के पूर्व नेता ताचोंग मिबांग विशेष अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। उनके अलावा रुमगोंग ब्लॉक डेवलपमेंट के अधिकारी नानी ताका गेस्ट ऑफ ऑनर रहे। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए सभी अतिथियों ने इस पारंपरिक उत्सव के संरक्षण पर जोर दिया। ये उत्सव एक कृषि उत्सव है। धार्मिक रीतियों के अनुसार इस उत्सव में पुजारी द्वारा बलि विधान की भी मान्यता है। हम लोग जो है डोंगिन है, ये हम लोग का तेला माने माँ बा लोग का करसर है, वो करसर को हम लोग नहीं चढ़ सका है। इसलिए हम लोग जितना यहाँ माने दरोन जो हो, लेकिन ये भी हम लोग का दरोन है, इसलिए हम लोग अपना करसर को चढ़ नहीं सकता है। इसलिए डोंगिन हमेशा साल साल में ऐसे एजक इस समय में हम लोग डोंगिन करते रहता है। उत्सव की मुख्य आकर्षण होती हैं समुदाय की महिलाएं, जो पारंपरिक साजो श्रृंगार से तैयार होकर नृत्य पेश करती हैं। वहीं युवा और पुरुष उत्सव में शामिल होने पहुंचे अतिथियों का बेहद ही अनूठे ढंग से समुदाय की परंपरा के अनुसार स्वागत करते हैं। उत्सव को लेकर आदिबुरी समुदाय के लोगों में जितना उत्साह देखा गया, उसमें अतिथियों के जोश ने 4 चांद लगा दिए। उत्सव के दौरान खुद विधायक भी मंच पर चढ़ गए और पारंपरिक गीत गाने लगे। ऐसे में लोगों ने भी जमकर विधायक का साथ दिया और खुशी से झूम उठे।
आदिबोरी कम्युनिटी का एक बड़ा फेस्टिवल है, तो हमको शिवगेज बुलाया है, इसलिए मैंने स्वीकार किया है और आज खाइंग टाउन पे आया है हम लोग। और इस त्यौहार में मुख्य रूप से हम लोग मिथुन सेक्रीफाइस होते हैं। जैसे हमारे पुरखू ने अपने गांव-गांव में ये डोंगिन फेस्टिवल मनाया जाते थे, लेकिन समय के साथ साथ विषारु तथा नियमों की प्रणाली भी बदलती जाती है, तो इसलिए यहाँ हम लोग जितने भी यहाँ गवर्नमेंट नौकरी करते हैं वो मिलके ये डोंगिन सेलिब्रेशन किया है। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ आज काइंग में आदिबुरी कम्युनिटी का डोंगिन फेस्टिवल मनाया गया बड़े ही रंगारंग कार्यक्रम के साथ। और यहाँ जो जो विशिष्ट व्यक्तिगण यहाँ आज शामिल हुए, उपस्थित हुए, उनका यही अपील था अपने फ्यूचर जनरेशन के प्रति कि वो ये जो अपना कल्चर, रिच कल्चर ट्रेडिशन और है, उसको फ्यूचर के लिए बचाए रखे और हर साल ऐसे ही ये त्योहार जो है मनाए अपने रिचुअल्स और जो सदियों पुराने आचार व्यवहार है उसको बरताए रखते हुए। अभी देखना ये है यहाँ के जो नई पीढ़ी है वो इस मैसेज को किस तरह अपने भविष्य के लिए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। कैमरा पर्सन प्रणीप के साथ मैं रिपुंजय दास, काइंग सियांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश से नॉर्थ ईस्ट लाइव के लिए। रीजन डायरी में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट लाइव। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है, आप देख रहे हैं रीजन डायरी। असम के अन्य उत्सवों के अलावा यहाँ एक ऐसा भी उत्सव है जो सभी को एक सिरे में पिरोता है। बात कर रहे हैं शंकर संघ के उत्सव की, जहाँ हजारों की संख्या में असम के कोने कोने से भक्त पहुँचते हैं और नाम कीर्तन के साथ पूरा इलाका भक्तिमय होता है। नव वैष्णव धर्म के प्रतिष्ठापक समाज सुधारक गुरु श्रीमंत शंकरदेव को समर्पित बोकाखात अधिवेशन के साथ इलाके का माहौल ही बदल गया है। पाँच फरवरी से शुरू हुए इस 89वें अधिवेशन में राज्य के कोने कोने से भक्तों का आगमन हुआ है। मानव वैष्णव भक्तों के समागम से कमारगांव के काजीरंगा समन्वय क्षेत्र के ऐतिहासिक दिहिंगिया महुरा मैदान बैकुंठ नगरी में तब्दील हो गया है। कहने को तो यह वार्षिक अधिवेशन है, लेकिन माहौल किसी उत्सव से कम नहीं है। अधिवेशन के दौरान यहां आने वाले हजारों भक्तों के लिए रोजाना भोजन की व्यवस्था की जाती है, जिसके लिए 300 चूल्हों में
600 रसोइयों और 200 से ज्यादा लोग लगातार व्यस्त रहते हैं। इसके लिए दो भक्त लगातार निगरानी करते हैं ताकि सारा काम सुचारू रूप से संपन्न हो सके। लोग भी यहाँ बड़े चाव से प्रसाद के तौर पर भोजन ग्रहण करते हैं। पहले ही दिन भोजन ग्रहण करने वालों की संख्या 20,000 से ज्यादा दर्ज की गई। खास बात यह है कि यहाँ भोजन केले के पत्तल में परोसा जाता है। सेवा संघ की ओर से युवा इन भक्तों को भोजन परोसते हैं। इनका मानना है कि इससे उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। बात करें भक्तों की तो उनकी श्रद्धा में किसी भी तरह की कमी नहीं देखी जाती। युवा से लेकर बुजुर्ग तक शंकर संघ के इस उत्सव में पूरी निष्ठा दर्शाते हैं। इन सब के बीच ऐसे भी भक्त यहां पहुंचते हैं जो उम्र दराज व अस्वस्थ है। जिन्हें चलने फिरने में परेशानी होती है लेकिन आस्था के चलते यह बाधा पार कर वे उत्सव में शामिल होते हैं और गुरु श्रीमंत शंकरदेव को नमन करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट लाइव। मणिपुरी नृत्य बेहद सौम्य, सुंदर और मन को मोह लेने वाले होते हैं। बात करें यहाँ आयोजित अंतर्राष्ट्रीय नृत्य उत्सव की तो इस दौरान यहाँ की रौनक देखते ही बनती है। आइए डालते हैं एक नजर दो दिवसीय इम्फाल में आयोजित इस कार्यक्रम की कुछ झलकियाँ। मणिपुर के लोक नृत्य देश के सांस्कृतिक क्षेत्र में एक अलग स्थान रखते हैं। मणिपुरी नृत्य चाहे शास्त्रीय हो या लोक नृत्य, सभी प्रकृति में भक्तिमय है। ये मणिपुर के धार्मिक और सामाजिक ताने बाने का एक अभिन्न हिस्सा है। इसी अभिन्न हिस्से को मंच पर प्रदर्शित करते हुए दो दिवसीय डांस सांस डिविजन का आयोजन किया गया। जी हाँ, मणिपुर की राजधानी इम्फाल में 1 और 2 फरवरी को इंडिया इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल 2020 का आयोजन किया गया। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकादमी में आयोजित इस दो दिवसीय कार्यक्रम में 5 राज्यों के कलाकारों ने हिस्सा लिया। इनमें मणिपुर के अलावा असम, ओडिशा, कोलकाता, चेन्नई के कलाकारों ने बेहतरीन प्रदर्शन कर दर्शकों का दिल जीत लिया। Yeah, I'm very happy to perform here because before I had experience in IIDF, same I did in another states also. So I am very happy to come in Manipur because I am first time I am coming to Manipur. Basically, I am from Kerala. I am a Malayali and I am settled in Chennai. I am doing Kerala art form Mohiniyattam. Tomorrow I am performing Mohiniyattam. इस दो दिवसीय डांस उत्सव का आयोजन इम्फाल स्थित एटिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मणिपुरी परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड कल्चर आइडेंटिटी ने ओडिशा स्थित संस्कृति की सौजन्य से किया। IIDF festival is a traveling dance festival which was started in 2015 by a cultural organization called Samskritiki based on Bhubaneswar and last year, you know, as a Manipuri dancer, I was invited to participate in IIDF Bhubaneswar, and I met the director of IIDF, Shyam Hari Chakra, who is a very famous dance critic, and he, gave me the opportunity and the responsibility to organize IIDF Imphal chapter. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कला और संस्कृति विभाग के मंत्री
एल जयंता कुमार ने भी शिरकत की। वहीं अन्य विधायकों के साथ राज्य पर्यटन विभाग के निदेशक डब्ल्यू इभोहाल की भी उपस्थिति दर्ज की गई। ऐसे कार्यक्रम न सिर्फ क्षेत्र की कला और संस्कृति को दर्शाते हैं बल्कि समन्वय की धारणा को भी अधिक मजबूत बनाने में कारगर साबित होते हैं। उधर अरुणाचल प्रदेश में एक समझौता हुआ है, वह भी नदियों की सफाई और जलचरों के संरक्षण के लिए। एक बेहद ही अहम उद्देश्य को सामने रख विभिन्न समुदायों, जिला प्रशासन और वन विभाग ने समझौते पर हस्ताक्षर किया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं यमगो एकॉर्ड की, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हमारे देश में नदी को पवित्र माना जाता है। सभ्यता का विकास नदियों के किनारे ही हुआ है और यह प्रक्रिया जारी है, लेकिन विकास के इस दौर में नदियों में बढ़ते प्रदूषण ने पूरी दुनिया को चिंतित कर रखा है। नदियों की सफाई के नाम पर करोड़ों की राशि खर्च की जा रही है पर नतीजा संतोषजनक नहीं है। एक पहल अरुणाचल प्रदेश में की गई है, बाकायदा संधि पत्र पर हस्ताक्षर कर। यमगो समझौता यमगो और इसकी सहायक नदियों को स्वच्छ करने तथा जलचर जीवों के संरक्षण के उद्देश्य से किया गया है। वेस्ट सियांग जिले के आलोंग में इसी उद्देश्य के तहत यमगो नदी महोत्सव का आयोजन एक सकारात्मक पहल है। यमगो नदी और इसकी सहायक नदियों की स्वच्छता और जीवकुल के संरक्षण के लिए 7 गाँव के लोगों ने बीड़ा उठाया है। जिला प्रशासन वन विभाग भी इस संधि का हिस्सा है। This year, not only are we focusing on dance and culture of the tribe, Galo tribe, we're also focusing on the river, Yongo Valley, jiske naam pe bani hai. So this year we had introduced a Yongo Accord, jisme ki humne gaon gaon jaake cleanliness drives kiye, sensitization kiye, jitne bhi hamare residential colonies hain jo Siom River ke side mein hain and urban area mein jitna garbage wagera accumulate ho raha hai, to uske sath hum logon ne community ko involve karne ki koshish ki aur aaj ke din with our chief guest hum logon ne yahan pe inaugural program mein us Yongo Accord ko document kiya, usko on paper hum logon leke aaye after doing the oath taking ceremony that hi hum is river को प्रिजर्व करेंगे जो कि लाइफलाइन है नॉट ओनली फॉर वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट बट ऑल द डिस्ट्रिक्ट जहां पे वो बहती है। क्षेत्र के वन अधिकारी अभिनव कुमार ने यमगो एकॉर्ड के मुख्य उद्देश्य के बारे में नॉर्थ ईस्ट लाइफ के साथ विचार साझा किए। जो मेन मकसद इसका ये था कि अभी जैसा लोग बताते हैं आज से 15-20 साल पहले यहाँ पे मछलियों की पॉपुलेशन बहुत अच्छी थी और अभी एक्सेसिव फिशिंग की वजह से हुआ क्या है, मछलियाँ तो कम हो ही गई हैं बट नदी का इकोसिस्टम खराब हो गया है क्योंकि एक्सेसिव फिशिंग हो रही है, कोई साइज से उनका कंट्रोल नहीं है, छोटी छोटी मछलियाँ उठा लेते हैं वो। फिलहाल हम उसे एक सीजन में बैन करते थे बट वो भी इंप्लीमेंट करने में हमें प्रॉब्लम हो रही थी, तो इस बार हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया है और यहाँ पे एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन है आलो टाउन पीपल वेलफेयर डेवलपमेंट सोसाइटी करके ATPWDS एक NGO है जिसके साथ मिलके अभी हम कैंपेन कर रहे हैं गाँव गाँव में जाके कि ये ताकि जो हमारा ऑर्डर निकला है वो इन स्पिरिट भी हम उसे इम्प्लीमेंट कर पाएं। तो इसी को नज़र में रखते हुए अगला स्टेप जो था यमगो एकॉर्ड था, हमने फायदा उठाया यमगो रिवर फेस्टिवल का जिसमें हमने बात करी नदी की सफाई की। तो पिछले एक महीने से हमने करीब तकरीबन 6 गांवों में और जितने भी टाउन में कॉलोनीज हैं जो नदी के किनारे बसी हुई हैं वहाँ पे जाके हमने कैंपेन करके लोगों के साथ मिलके हमने नदी की एक्चुअली सफाई की। साथ में हमने यहाँ के दोनों लोकल MLAs श्री तुमके बागरा मिनिस्टर इंडस्ट्रीज और श्री तुम केंदो जी जो हमारे गेस्ट भी हैं उन्हें भी हमने इंक्लूड किया, उनसे भी हमने ये चीज़ साइन कराई। तो उम्मीद है कि ये एकॉर्ड जो है आज जो साइन हुआ है आगे चल के नदी को बचाने में बिल्कुल सफल रहेगा। अरुणाचल प्रदेश में महोत्सव कोई भी हो, दिखती है सांस्कृतिक झलक। पारंपरिक गीत, नृत्य, युद्ध कौशल आकर्षण का केंद्र होता है। महोत्सव के दौरान गालो समुदाय के वैवाहिक पद्धति को भी दर्शाया गया। Look at the joy of the bridegroom's party. They're so happy and haven't stopped welcoming and
playing and dancing for the bride and her entourage, her family. सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रसिद्ध गायक गायिका भी समा बांध रहे हैं। आपको बता दें कि यमगो नदी महोत्सव का एक उद्देश्य इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के साथ ही क्षेत्र के लोगों का आर्थिक विकास भी है। साधारण तरीके से आयोजित की गई मौज मस्ती गाना बजाना के अलावा इस बार द्वितीय जो यमगो रिवर फेस्टिवल आज यहां आलो वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुआ वो कुछ अलग तरीके से शुरू हुआ। जहां की एक हिस्टोरिक यमगो एकॉर्ड को साइन किया गया जिसमें यहां के लोगों ने प्लेज लिया, उन्होंने प्लेज लिया कि आज से ये यमगो और इसके जो रिवर सिस्टम है इसके जो जितने ट्रिब्यूटरीज है उनको साफ करने में अपना दिन का समय कुछ ना कुछ समय व्यतीत करेंगे। और अभी तक ऑलरेडी 7 गांव इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये एक माना जाएगा कि भविष्य के लिए एक ठोस कदम है किसी फेस्टिवल के आयोजन का, अगर हम उसका जो फलाफल या एंड रिजल्ट की बात करें क्यों तो। कैमरा पर्सन प्रणीप के साथ मैं रिपुंजय दास आलो अरुणाचल प्रदेश से नॉर्थ ईस्ट लाइव के लिए। और फिलहाल रीजन डायरी का आज के अंक में इतना ही, देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट लाइव।